हेलो गाइज, आपके अपने चैनल श्रेमा के स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे नेल्को लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो 5% अपर सर्किट पे लॉक हो चुका है। गाइज, कंडीशन काफी जबरदस्त है। एंड ऑफकोर्स एक बड़ी न्यूज अनाउंस हुई थी जो कि इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, तो एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज को चार बात करें तो 492.75 रुपए इसका आज का ये लो की बात करें 447.65 रुपए तक ये लो आया था। इट मींस कि करीब करीब जो कि लोअर सर्किट के आसपास घूमा था। अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास मॉर्निंग में। एंड गाइज, अभी टोटली अपर सर्किट पे लॉक है 5% पे। जो कि 52वीं हाई की बात करें 515 रुपए इसका 52वीं हाई। लो की बात करें 172.55 रुपए से इसका 52वीं हाई लो है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो गाइस, जो अभी टोटली मैक्सिमम पे है, अभी जो इसका 52वीं हाई है वहीं इसका मैक्सिमम है और कंडीशन काफी जबरदस्त और दमदार है। अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो गाइस, काफी सारी चीजें स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर बात करें आज के वॉल्यूम ट्रेड की तो 6 लाख से भी ऊपर क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि एनएससी पे ट्रेड हुआ है। अगर बात करें बीएससी की तो 47,000 क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम ही बीएससी पे ट्रेड हुआ है। सो गाइस, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें इसके स्पॉट एनालिसिस की तो यहां पर स्ट्रेंथ से भरा हुआ शेयर है, 10 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस है, 2 अपॉर्चुनिटीज है, 2 थ्रेट है। अगर बात करें इसके आज की तो गाइज, यहां पर जो कि बाइंग क्वांटिटी अभी भी एक जबरदस्त क्वांटिटी लगी हुई है बाय करने के लिए और कंडीशन काफी ऑफकोर्स बेहतर है। एंड अगर बात करें इसके जो कि सेंटिमेंट की तो 75% बाय का, 25% सेल करने का सेंटिमेंट इसमें नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इसके जो कि एट प्रेजेंट जो फाइनेंशियल की बात करें तो अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो गाइज, यहां पर एक ईयर ऑन ईयर एक जंप देखने को मिल रहा है। बट अगर बात करें जून क्वार्टर से, अगर कंपैरिजन करें मार्च क्वार्टर की, तो गाइज यहां पर थोड़ा सा डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो गाइज, यहां पर एक जो कि यहां पर कोई चेंज नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करीब करीब सेम सिचुएशन है, बट यहां पर थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउनफॉल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो यहां पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है 50.0 प्रोमोटर, यहां पर प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 46.54% यहां पर पब्लिक होल्डिंग है। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो 3.07% फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। इसके अलावा जो कि ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी यहां पर जो कि 3.3% के आसपास यहां पर जो कि होल्डिंग बनाए हुए हैं। अगर बात करें यहां पर प्रोमोटर की तो गाइज, यहां पर कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है, 1 साल से बिल्कुल स्टेबल है। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो एक बड़ा जंप यहां पर आपको जून क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि यहां पर कंडीशन बेहतर से और बेहतर होने वाली है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पर जो कि होल्डिंग इंक्रीज कर चुके हैं। एंड बात करें 3 क्वार्टर की तो गाइज, यहां पर टोटली जो कि होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। यहां दिसंबर से मार्च की बात करें, मार्च से या फिर हम बात करें जून क्वार्टर की, तो गाइज यहां पर जो कि होल्डिंग 3 क्वार्टर से टोटली इंक्रीज हो रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहां पर डाउनफॉल, एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पिछले जो कि 3 क्वार्टर में टोटली ये स्टेबल था, इससे पहले जून 2020 की बात करें तो यहां पर एक बड़ा जो कि करीब करीब 4.5% के आसपास होल्डिंग थी, बट यहां पर डाउनफॉल मिला। फिर उसके बाद यहां पर जून क्वार्टर में दोबारा से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो गाइज, यहां पर पब्लिक होल्डिंग जो कि काफी इंक्रीज हुई। ऑफ कोर्स ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं गाइज कि पब्लिक के लिए कोई भी कंपनी पैसे नहीं कमाती, तो ये एक जो कि यहां पर थ्रेट हो सकता है कि जो हम जैसे लोग यहां पर जो कि ऑफ कोर्स ज्यादा एंट्री ले चुके हैं, बट गाइज मैं अपने व्यूअर को यही कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा करें, एक बड़ा प्रॉफिट ऑफ कोर्स आपको दे सकता है। एंड अगर बात करें अदर्स की तो यहां पर कोई एंट्री अभी तक नजर नहीं आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो एक बड़ी होल्डिंग यहां पर जो कि इंक्रीज हुई है 1.32% के साथ। एंड अगर बात करें इसकी न्यूज की तो गाइस, काफी सारी न्यूज मार्केट में आ रही है। सबसे पहले टाटा ग्रुप नेटको अप 24%, जो कि एक महीने में यहां पर 24% का जंप ये मिला है। ये एक बहुत ही जबरदस्त जो कि न्यूज यहां पर जो कि नेटको की तरफ से आ रही है। 24% महीने में 24% जो कि ऑफ कोर्स टी करेंगे 24% क्या वहां पर भी आपको 12% के आसपास भी आपको इससे आधा भी नहीं मिलेगा। यहां पर 24% ऑलरेडी जो कि नेल्को दे चुका है। एंड पार्ट में दैट अगर बात करें जो कि इसके जो कि सेकंड डे ऑफ कोर्स जो कि इससे पहले भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी, 2 दिन से अपर सर्किट लॉक रहा था, एक जबरदस्त जो कि अनाउंसमेंट हुई थी
थी उस अनाउंसमेंट के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसके, जो कि एक टाटा ग्रुप टू एंटर सेट ब्रॉडबैंड मार्केट विद कैनेडाज टेलीसेट्स हो गाइस, यहाँ पर जो कि 26 जुलाई को ये न्यूज आई थी। एक जबरदस्त यहाँ पर जो कि पार्टनरशिप हुई थी, एक जो कि एंट्री ली गई थी टाटा ग्रुप द्वारा, जो कि ब्रॉडबैंड मार्केट से सेटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट जो कि कनाडा में प्रोवाइड करने के लिए। ऑफकोर्स ये काफी जबरदस्त एंट्री थी टाटा ग्रुप की, जो कि ऑफकोर्स जो कि मेन पार्ट है नेल्को। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें न्यूज की, तो गाइज यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी 10 अगस्त को, जिसकी वजह से 2 दिन से इसमें यहाँ पर सर्किट लगा था। टाटा ग्रुप फर्म नेल्को इन एडवांस्ड, जो कि ऑफकोर्स एमएसए टॉक्स विद टेलीसेट टू ऑफर सेटेलाइट ब्रॉडबैंड इन इंडिया। सो गाइज ये न्यूज थी जिसकी वजह से 2 दिन यहाँ पर जो कि अपर सर्किट लॉक हुआ था, मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, जो कि ऑफकोर्स काफी जबरदस्त अनाउंसमेंट थी ये टाटा ग्रुप द्वारा, जो कि नेल्को जो कि ऑफकोर्स जो कि सेटेलाइट इंटरनेट सेटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर बात करें इसकी जो कि नंबर की, तो गाइज 4th नंबर यहाँ पर जो कि टेलीसेट इज द 4th ग्लोबल सेटेलाइट ऑपरेटर आफ्टर जो कि वन वेब स्पेसएक्स एंड अमेजन के बाद 4th नंबर पर जो कि नेल्को आता है। सो गाइज काफी जबरदस्त यहाँ पर जो कि अभी अनाउंसमेंट और होने बाकी है, काफी सारी चीजें इसमें पॉजिटिव नजर आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके, जो कि ऑफ कोर्स अगर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी की बात करें, तो गाइज यहाँ पर 2.25 करोड़ इक्विटी, यहाँ पर 2.25 करोड़ क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिसमें से जो कि आधा जो कि ऑलरेडी प्रोमोटर के पास है। तो गाइज यहाँ पर तो चेंजेस होना बिल्कुल भी नहीं है। इवन टाटा ग्रुप जल्दी से कोई अपना प्रमोटर जो स्टेक है वो डिक्रीज नहीं करती है। इवन हो सकता है यहाँ पर चेंजेस होके इंक्रीमेंट जरूर मिल सकता है, बट यहाँ पर डिक्रीज के तो चांसेस काफी 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 कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ जो कि इसके बाद जो कि आधे से भी कम है, जिसमें से पब्लिक भी है, जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी है। सो गाइज यहाँ पर ही चेंज हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी नहीं है मार्केट में, तो हो काफी चांसेस हैं कि आपको 1,000 रुपये दे दे तो ये कोई सरप्राइज वाली चीजें नहीं होंगी यहाँ पर, क्योंकि क्वांटिटी काफी कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके, जो कि एक न्यूज और अनाउंस हुई थी, वो न्यूज क्या है, तो गाइज यहाँ पर जैसे ही अपर सर्किट लॉक लगा, यहाँ पर एक जो कि ऑफ कोर्स एक जो एक्सचेंज से एक इंफॉर्मेशन, एक जो कि लेटर आ गया था जिसका रिप्लाई किया गया है नेल्को द्वारा। तो गाइज काफी सारी चीजें अभी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं, आज अपर सर्किट पे लॉक है। तो गाइज हो सकता है ऐसे ही चीजें चले और एक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे दे, तो काफी जबरदस्त सिचुएशन है नेल्को की। थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा करें और एक बड़ा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।